Hello friends, once again welcome back to your beautiful channel NPC, where you can learn all the concepts related to physics. And today's concept is free body diagram. Okay, this is very important and easy concept, and for this we can understand three things: gravitational force, or we can say wet force, normal reaction and tension. Okay, free body diagram ko samajhne ke liye hame pehle three फोर्सेस को जान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम में यूज होंगे. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन. ओके, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे, बट फॉर दिस अभी के लिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को समझते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स होता है टू बॉडीज में लगने वाला फोर्स जो कि अट्रैक्टिव होता है. ठीक है, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू बॉडी ड्यू टू अ वर्चू ऑफ देयर मासेस. ठीक है, मीन्स टू बॉडी जिनके मासेस हैं उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स से ही आया वेट फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर कोई बॉडी है हमारे पास इस तरह से एम मास की बॉडी है, ठीक है, और ये आपका अर्थ. ओके, अब आपके पास ओनली वन बॉडी है. ठीक है, अब अदर बॉडी कहाँ से लाए? अदर बॉडी है अर्थ. ठीक है, अर्थ भी हर एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स क्रिएट करती है, अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करती है. ठीक है, और अर्थ के सेंटर, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ के सेंटर पर हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है. ठीक है, अगर बॉडी यहाँ पर है तो सेंटर पे फोर्स एक्ट करेगा, यहाँ पर है देन अगेन फोर्स सेंटर पर एक्ट करेगा. ये ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F=G m1 m2/r². हियर आर इज द रेडियस, m1 एंड m2 आर द मासेस ऑफ टू बॉडीज, एंड कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है. ये हम डिटेल में आने वाले लेक्चर में, आने वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे. ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स से ही रिलेट होता है वेट फोर्स. ठीक है, वेट फोर्स हमेशा डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है. ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका सरफेस है और सरफेस पे एम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमेशा फोर्स, और वी कैन से वेट फोर्स डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा. ठीक है, आप बॉडी को किस तरह भी, किस भी एंगल पर रखें, हमेशा वेट फोर्स एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक है, एंड दिस वेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी. ठीक है, इसे कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी वैल्यू होती है एम इंटू जी. एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स होती है. ठीक है, यहाँ पर हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर भी यूज करेंगे, एंड अप्रोक्स 10 मीटर पर सेकेंड भी यूज करेंगे. ठीक है, कैलकुलेशन ईजी हो जाए इसलिए 9.8 को हम मोस्ट न्यूमेरिकल्स में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करेंगे. ठीक है, सो दिस इज द वेट फोर्स. अगर आपके पास बॉडी इस तरह से है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन में है बॉडी, तभी भी वेट फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा. ओके, चलिए, सेकंड वन इज नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, जो आपका सरफेस है, जैसे मान लिया हमने ये सरफेस ले लिया है और इस सरफेस पर एम मास की बॉडी रख दी है. ठीक है, अब हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वेट फोर्स वर्क करेगा, बट इस सरफेस के परपेंडिकुलर भी एक फोर्स एक्ट करेगा, एंड विच इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, इसे एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो नॉर्मल रिएक्शन इज द फोर्स विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, बॉडी किस सरफेस पे कॉन्टैक्ट कर रही है, इस सरफेस पे. ठीक है, तो ये आपका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसके परपेंडिकुलर. अगर आपकी बॉडी इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन में है, तो सरफेस ये हो गई आपकी. ठीक है, कॉन्टैक्ट ये होगा, तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से वर्क करेगा. ओके, तो जहाँ भी सरफेस होगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा. ओके, एंड थर्ड वन इज टेंशन. टेंशन जैसे आपने देखा होगा स्ट्रिंग में, रॉड में, अगर कोई ऑब्जेक्ट हैंग किया है, आपने लटकाया है, तो उसमें जो फोर्स एक्ट होगा दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स. ठीक है, जैसे आपने इस तरह से एक सरफेस लिया, ठीक है, स्ट्रिंग से एक मास एम कनेक्ट कर दिया. ठीक है, नाउ एम मास पर वेट फोर्स तो एक्ट करेगा डाउनवर्ड. ठीक है, बट ये जो स्ट्रिंग आप ले रहे हैं इसमें भी फोर्स जनरेट होगा, फोर्स क्रिएट होगा, एंड दिस फोर्स इज नोन एज द टेंशन फोर्स. इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये टेंशन फोर्स हमेशा बॉडी से अवे फ्रॉम द पॉइंट होता है. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी ये है, तो इस बॉडी से अवे होगा. ठीक है, सो दिस इज द टेंशन फोर्स. नाउ फ्री बॉडी डायग्राम. अब हमने ये तीनों फोर्सेस के बारे में जान लिया है. ठीक है, काफ़ी नॉलेज हो गया है आपको. अब हम फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं.
फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स ऐसा डायग्राम, ऐसा सिस्टम जिसमें हमको सभी फोर्सेस रिप्रेजेंट करने होते हैं, ठीक है, और नेट फोर्स कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। सो फ्री बॉडी डायग्राम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ डायग्राम ऑफ अ चूजन सिस्टम इन विच रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस एक्शन ऑन हिट एंड दस कैलकुलेट द नेट फोर्स, ठीक है। सिस्टम पर जितने भी फोर्स एक्ट करेंगे, सिस्टम पर जो फोर्स होंगे वही आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। सिस्टम अगर अदर बॉडी पर फोर्स क्रिएट कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उस फोर्स को आपको नहीं लेना है, ठीक है। क्या इंक्लूड होगा? ओनली जो फोर्स सिस्टम पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो फ्री बॉडी डायग्राम के कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं, और इन पॉइंट्स को लेकर हम किसी भी डायग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, किसी भी सिचुएशन का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपको क्या करना है, एक डॉट या एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना है बॉडी को, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो पहले तो हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद में एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी समझ में आती है। तो पहले मैं रीड कर लेती हूँ। पहले आपको क्या करना है, पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है बॉडी को, फिर बॉडी पर जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको आपको सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद में जो भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस देखना है, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, वो देखना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको अरेंज करना है एंड फोर्सेस अलोंग दिस एक्सिस, ये जो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया इसके अलोंग जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनको देखना है आपको, ठीक है। एंड लास्ट में आपको एक रेफरेंस पॉइंट भी सजेस्ट करना है, क्योंकि हर एक सिस्टम कहाँ पर होगा, किस रेफरेंस पॉइंट में होगा, ये आपको जान लेना होगा। और सिंपली हम जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो ग्राउंड पर करेंगे, ठीक है। मीन्स आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो इनर्शियल फ्रेम, मीन्स अगर आप ग्राउंड से किसी भी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं तो उसे बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, क्लियर है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आपके पास एक बॉडी है जो कि सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है, ये सरफेस पे रखी हुई है। अब बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रही है, वो रेस्ट में है, ओके। अब बॉडी पर जो भी फोर्सेस एक्ट करेंगे, अब बॉडी ना तो मूव कर रही है, मतलब बॉडी पे आपने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, बट बॉडी वर्टिकली मोशन भी अगर नहीं करे तो उस पर वर्टिकली जो फोर्स होंगे वो आपको देखने होंगे, ठीक है। मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा मैंने क्या बोला, एम जी वेट फोर्स होगा एंड बॉडी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस सिचुएशन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमको बॉडी को पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है, तो हमने ये एम मास की बॉडी को, ठीक है, पॉइंट से रिप्रेजेंट किया। अब इस पर जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं विद डायरेक्शन, ठीक है, मीन्स इस बॉडी पर नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये जो लेंथ है, ठीक है, आप लेंथ देख रहे हैं एरो की, लेंथ रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड एंड हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, ठीक है। तो मैंने एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड बनाई है, इसका मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। अब बॉडी अगर वर्टिकली मोशन नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या होगा कि जो भी बॉडी पर फोर्सेस एक्ट करेंगे वो बैलेंस होंगे, वो इक्वल होंगे, ठीक है। मीन्स जितना नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ही वेट फोर्स होगा, ठीक है। वर्टिकली डायरेक्शन में जो भी फोर्स ऑपोजिट होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि बॉडी बैलेंस है, बॉडी वर्टिकली मोशन नहीं कर रही, ओके। अब इसी सिचुएशन को हम सेकेंड एग्जाम्पल से ये लेते हैं कि हमारे पास अगेन एक बॉडी है जिसका मास एम है, बॉडी वर्टिकली मोशन तो नहीं कर रही है, मीन्स एम जी नीचे की तरफ हमेशा लगेगा, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, ओके। नाउ वर्टिकली मोशन नहीं, इसका मतलब एन इज इक्वल टू एम जी। अब हमने क्या किया, बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, कुछ फोर्स अप्लाई किया, बट बॉडी ने अभी भी मोशन नहीं किया, यानी कि बॉडी रेस्ट पर है। रेस्ट पर है इसका मतलब है कि अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट कुछ फोर्स होगा, ठीक है। इसके अगेंस्ट आपने, जैसे आपके पास ये बॉडी है, ये आपकी बॉडी है, इसमें आपने फोर्स लगाया, ठीक है, 10 न्यूटन का या जो भी आप मानो बहुत फोर्स लगाया, बट बॉडी ने मोशन नहीं किया, इसका मतलब ये है कि इस फोर्स के अगेंस्ट एक और फोर्स एक्ट करता है जो कि अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है, ठीक है। ये जो अपोजिंग फोर्स है वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, एफ सी, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर है, इसीलिए बॉडी ना तो वर्टिकली मूव कर रही है ना ही हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्योंकि अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है, और वर्टिकली इसलिए नहीं क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एम जी के इक्वल है। तो ये दोनों फोर्सेस
इक्वल होंगे। अब देखिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना, ये एक्स वाला एक्सिस हो गया आपका और ये आपने वाई एक्सिस मान लिया, ठीक है। अगर आप बॉडी को इस तरह से लेते हैं, एक अगेन एग्जांपल लें, इंक्लाइन प्लेन में हमने बॉडी को लिया है और ये आपकी बॉडी है एम मास की, एम जी हमेशा नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्ट करेगा एंड नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ओके। अब देखिए अब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन और एम जी डायरेक्टली इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन फोर्सेस को नहीं रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, या तो आप इस तरह से जो नॉर्मल रिएक्शन ले रहे हैं आप उसे वाई एक्सिस कंसिडर करें, ये एक्स एक्सिस कंसिडर करें, या फिर ये जो एम जी वाला पार्ट ले रहे हैं इसे वाई एक्सिस करें और इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो एक्स एक्सिस करें। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको चूज करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन वाला जो पार्ट है अगर मैं इसे वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करूँ तो इस सरफेस को मुझे एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। मीन्स ये इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा। अब ये जो एम जी का पार्ट है अब वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। एन इज इक्वल्स टू, आप एम जी नहीं कर सकते, आप क्या करोगे, आप एम जी का कॉम्पोनेंट लोगे, ओके। तो इस तरह से आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन में जैसे आपने पॉइंट मास से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, एम को, नॉर्मल रिएक्शन अपर साइड, सो इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन बना दिया, एम जी डाउनवर्ड साइड, तो एम जी, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, ठीक है, इस सिचुएशन का। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाया, तो यहाँ सिचुएशन इस यहाँ पर कैसे बनाएंगे आप, एम मास का जो बॉडी है उसे आपने पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है, एंड नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इसी के इक्वल फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। फ्री बॉडी डायग्राम से आपका ये है कि अगर आप ने कोई कार चलाई है या कोई बहुत बड़ा आपका आपके पास ऑब्जेक्ट है तो उसे आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसमें बेनिफिशियल रहेगा फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम आपका यहीं एंड होता है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलर मोशन के बारे में जानेंगे, ओके। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।